वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू, ठीक है, चैप्टर नंबर टू का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, अब जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा कॉन्क्रीट। ठीक है, हिंदी में भी कॉन्क्रीट ही बोला है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कॉन्क्रीट होता क्या है। ठीक है, तो कंक्रीट एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कंपोजिट का मतलब होता है दो तीन मटेरियल को मिला के एक साथ बनाना, उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट। ठीक है, एक तरीके का क्या है, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, या बोल सकते हैं कंपोजिट निर्माण पदार्थ। ठीक है, कंक्रीट जो है वो मिश्रण होता है किसका किसका, सीमेंट का। ठीक है, मिलावा, मिलावा जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला मिलावा जो होता है वो होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा फाइन एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट को बोला जाता है हिंदी में मोटा मिलावा। ठीक है, और जो फाइन एग्रीगेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग महीन मिलावा। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट में यानी मोटे मिलाव में हम लोग ज्यादातर गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, यानी पत्थर का, छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और वहीं फाइन एग्रीगेट वाले में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, महीन मिलाव में हम लोग बालू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्क्रीट है वो हमारा किस किस का मिश्रण है, पहला है सीमेंट का, फिर मोटा मिलाव का, महीन मिलाव का, वॉटर का यानी पानी का, प्लस केमिकल एडमिक्सचर। केमिकल एडमिक्सचर का मतलब है, मान लो जैसे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग छत की ढलैया करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि इसमें सीलन ना आए। ठीक, इसमें सीलन ना आए तो इसमें हम लोग क्या, डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब छत की ढलैया होती है तो जब मसाला बनाया जाता है, ठीक है, कॉन्क्रीट जब बनाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एडमिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे उसमें कोई भी, उसके अंदर हमने केमिकल इस्तेमाल कर लिया ताकि उससे हमारे छत पे क्या, जो सीलन नहीं आएगी। ठीक है, पानी को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक लेयर बना लेगा जिसके वजह से उसके अंदर सीलन नहीं आएगी। तो डॉक्टर फिक्सिट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तरीके का एडमिक्सचर है। ठीक है, तो यही कहा जा सकता है कि जो सीमेंट है सिंपल फॉर्म में यानी आसान फॉर्म में ये कह सकते हैं कि कंक्रीट एक तरीके का क्या है, पेस्ट है। ठीक है, मिलावा है, इसका किसका है, सीमेंट का है और एग्रीगेट का है। ठीक है, जो हमारा कंक्रीट वर्ड आया है वो आया है लैटिन से। ठीक है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी क्या मातृभाषा होती है उसी तरीके से हमारा एक होता है लैटिन। ठीक है, जो लैटिन वर्ड है वो हमारा है कॉन्क्रियस। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को कॉम्पैक्ट करना या कोइंसाइड करना, यानी एक दूसरे को ज्वाइन करना। यानी अगर क्या होता है कि हम लोग जब चाय बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चाय है वो पूरी तरीके से एक जैसे घुल के एक जैसा हो जाता है, तो वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। तीन चार मटेरियल मिलके क्या हो गया, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बना लिया। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बना लिया। ठीक है, तो वही वर्ड होता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीटस का मतलब होता है कि, मतलब होता है उसका कि कॉम्पैक्ट, यानी एक दूसरे में मिल जाए। ठीक है, क्या होता है कि जो कॉन्क्रीट होता है वो एक तरीके का सॉलिड फॉर्म होता है। हम जैसे जानते हैं कि सीमेंट क्या है, सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड में तो होता नहीं, पानी की तरह होता नहीं, एग्रीगेट भी पानी की तरह नहीं होता है। ठीक है, मतलब गिट्टी भी पानी की तरह नहीं होती है, और जो हमारा बालू भी है वो पानी की तरह नहीं। तब जब हम लोग उसके अंदर पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो पानी मिलाने के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंक्रीट कहलाता है। ठीक है, सूखी सीमेंट कंक्रीट नहीं कहलाएगा, सूखा बालू कंक्रीट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब हम उसके अंदर वाटर यानी पानी जब तक उसके अंदर हम लोग ऐड नहीं करेंगे तब तक वो कंक्रीट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो उससे देखे होंगे जब सीमेंट में तुम पानी मिलाते हो तो एक हीट की तरह, एक धुएं की तरह निकलता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वही क्या होता है जो हमारे सीमेंट के अंदर क्या लाइम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम होता है, तो उसके वजह से जो
धुआं निकलता है, उस जो केमिकल प्रोसेस होता है सारे मटेरियल्स के साथ, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन। ठीक है, जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो वो जब पानी मिला के मिक्स हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। ठीक है, फिर जब हम अपने कंक्रीट में सीमेंट मिलाते हैं तो उसका जो पकड़ होती है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। देखे होगे जब कभी तुम्हारे वहां देखो कि जब घर बनता हो प्लास्टर हो रहा हो, ठीक, तो प्लास्टर में क्या होता है कि कहीं भी मसाला पकड़ता नहीं है। ठीक, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग पानी पानी और सीमेंट को घोल के उसमें उसके ऊपर मार देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, मार देते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर उसके ऊपर मसाला रखते हैं तो वो मसाला चिपकने लगता है। ठीक, तो सीमेंट जो है वो हमारा एक तरीके का बंधक पदार्थ होता है, यानी बॉन्डिंग मटेरियल होता है। तो वो क्या करता है, दो 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 मटेरियल को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ईंट को भी जोड़ता है भाई, और साथ ही साथ जब हम उसको प्लास्टर करते हैं तब भी वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉन्क्रीट जो है वो ज्यादातर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक, बिल्डिंग बनाना है, हाउस बनाना है, ब्रिज बनाना है, इस तरीके के लिए ज्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ये एक तरीके का क्या है, मैन मेड मटेरियल, क्या है, कृत्रिम या एक तरीके से बोल सकते हैं आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक, कॉन्क्रीट भी क्या है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोल सकते हो, या आर्टिफिशियल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, ठीक, फिर क्या होता है कि अगर हम लोग मान लो कंक्रीट बना के रखे थे, यानी जैसे तुम्हारा घर का बीम बनाया गया है, बीम बनाया गया है, कॉलम बनाया गया है, ठीक, आज को बनाया नहीं गया, बहुत सालों से बनाया गया है, 2 साल 3 साल, ठीक, ज्यादा 10 साल 20 साल 25 साल। ठीक, तो उससे क्या है कि उसकी जो जितना दिन बढ़ता जाता है उतना ही कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, उतनी भी उसकी सामर्थ्यता है, वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन के आप बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यही सब फायदा है हमारा कंक्रीट का यूज करके बनाने। ठीक है, ठीक, अब आते हैं कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट को सिंपली फॉर्म में बोला जाता है, हिंदी फॉर्म में बोला जाता है मिलावा। ठीक है, मिलावा जो है वो ज्यादातर हम लोग दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं, पहला है क्या, मोटा मिलावा, दूसरा है हमारा महीन मिलावा। ठीक है, मिलावे के रूप में अगर देखा जाए तो मोटा मिलावे के रूप में हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और अगर मोटा मिलावे की बात, सॉरी, मोटा मिलावे में हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, या गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन महीन मिलावे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बालू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सैंड को इस्तेमाल करते हैं, या तो सैंड इस्तेमाल करते हैं या तो मोरंग, जानते हो, रेड सैंड उसको बोलते हैं, रेड सैंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बालू को अगर हम लोग धो के इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर हम लोग धो के इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो कण है वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास हो जाएंगे, जब उसके कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग छानते हैं बालू तो छाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग छान के इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और अगर हम लोग वो एक दिन भीगा हुआ है यानी उसको धो के अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, धो के मतलब ये नहीं कि धो लिया उसके अंदर पानी है तो हम उसको यूज करें, नहीं, पानी जब उसको धोएंगे फिर उसको सुखाएंगे तब यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो मिलावा क्या होता है समझ में आ गया, मिलावा दो तरीके का होता है, एक होता है महीन मिलावा और मोटा मिलावा। ठीक, किसी भी चीज में जैसे अगर हम लोग पानी में चीनी मिला रहे हैं तो चीनी एक तरीके का क्या हो गया, मिलावा हो गया। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ लिखा है कि मिलावा जो है हम लोग ज्यादातर 60 से 75% ही हम लोग टोटल वॉल्यूम में मिलाते हैं, यानी कि
60 से 75% क्या होगा हमारा, मिलावा होता है। देखे होगे कभी भी जब मसाला बनाया जाता है तो मिस्त्री क्या कहता है, एक चार का मसाला बनाइएगा, पलस्तर के लिए एक चार का मसाला बनवाते होंगे, एक दो का मसाला बनाते होंगे, एक तीन का मसाला बनाते होंगे या एक दो तीन का बनाते होंगे, तो क्या हमेशा जो मिलावा का जो परसेंटेज होता है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 60 से 75%। ठीक है, तो एक एक चार का मसाला जब बोलते हो तो एक बोरा सीमेंट होती है और चार बोरा बालू होती है। ठीक है, एक बोरिया क्या होती है, सीमेंट, और चार बोरिया क्या होती है, बालू होती है। ठीक है, तो चार बोरा बालू है तो क्या देखो उसका कितना डिफरेंस है। अगर हम लोग मान लो इसको 100% समझे तो जो इसका जो हमारा 75% क्या होगा, हमारा बालू है, ठीक, और 25% क्या है हमारा, सीमेंट है। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम लोग कॉन्क्रीट बनाते हैं तो उसमें एग्रीगेट यानी मिलावे का जो परसेंटेज है वो कितना रखते हैं हम लोग, 60 से 75%। ठीक है, अब आते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट आता है उसको बोलते हैं मोटा मिलावा। ठीक, मोटा मिलावा जब नॉर्मली 4.75 mm, ठीक है, 4.75 mm तक का साइज होना चाहिए। ठीक है, 4.5 mm तक का साइज होना चाहिए उसका, उससे ज्यादा का है तो हम लोग कॉन्क्रीट में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अगर उससे ज्यादा का है तो हम लोग कॉन्क्रीट में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल जो आप लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन पे पड़ा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लास। ठीक, तो जो ग्रेवल होता है वो भारी मात्रा में होता है तो उसको ज्यादातर कॉन्क्रीट में हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, तो जो हमारा मोटा मिलावा है उसकी साइज जो है, ठीक है, उसकी कितनी होनी चाहिए, 4.75 mm से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर फाइन एग्रीगेट जो होता है, फाइन एग्रीगेट जो होता है वो 4.75 mm से कम होना चाहिए, उससे उससे अगर ज्यादा है तो फाइन एग्रीगेट का हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, अब आते हैं एग्रीगेट पे जो यूज किया जाता है। ठीक है, एग्रीगेट जो हम मिलावा यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जो हमारा एग्रीगेट जो मिलावा है वो स्ट्रेंथफुल होना चाहिए, यानी उसके अंदर सामर्थ्यता होनी चाहिए। ठीक है, साइज जो हमें चाहिए वो साइज का होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पार्टिकल शेप, यानी जो उसका शेप है, जिसका उसका जो आकार है वो जैसा हमको चाहिए उस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, सरफेस का टेक्सचर, यानी मान लो अगर कोई जो है स्टोन है, पत्थर है, तो उसके ऊपर कोई दरारें हैं तो हमारा जो मिक्सिंग है वो आसानी से जल्दी नहीं होगा। ठीक है, वो मिक्स आपस में नहीं होगी, तो ये सब जो टेक्सचर है उसके दरारें हैं, उसके जो गैप्स है, मान लो अगर बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब की है वो स्टोन, तो स्टोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है ग्रेडिंग, यानी हमको कौन सा ग्रेड हम ले रहे हैं तो उस हिसाब से हमको चल रहा है। ग्रेड का मतलब यहाँ पे कि हम लोग कौन सा ग्रेड बना रहे हैं, M10 बना रहे हैं, M20 बना रहे हैं, M15 बना रहे हैं, तो ये सब देख के हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, जो हमारा एग्रीगेट होगा, जो मिलावा होगा, वो कैसा होगा, इनपरमिएबल, यानी उसके अंदर वाटर सूखना नहीं चाहिए। अगर वाटर उसके अंदर पहले से होगा तब हम उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, तब हम उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वाटर का अगर वो वाटर सूखा रहेगा, अगर हमने उसको यूज कर लिया तो हमारी वाटर जब हम उसके अंदर अलग से मिलाएंगे दोनों को मिक्स करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और जो हमारा मसाला बनेगा, जो पेस्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा, वो एकदम कैसा पानी जैसा हो जाएगा, या तो गीला हो जाएगा या तो पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लीननेस, यानी वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कोई गंदगी या मिट्टी या बालू उसके अंदर नहीं लगा होना चाहिए। अगर मान लो एग्रीगेट अगर पत्थर में मिट्टी लगी है
तो क्या मिट्टी क्या करती है, मिट्टी किसी भी चीज को चिपकाती नहीं है, उसको छोड़ देती है। ठीक, तो ये सब होना चाहिए। ठीक, केमिकल इंटरनेस, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी केमिकल उसके अंदर पहले से ना हो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि सोडियम हो गया, पोटाश हो गया, ये सब सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक, तो उसके अंदर यानी जो गिट्टी है या बालू है उसके अंदर कोई भी सोडियम या पोटाश का मात्रा पहले से ना हो। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, यानी उसके अंदर कोई भी भौतिक या रासायनिक जो उसकी एबिलिटी है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता है, जिससे वो क्या चेंज हो। जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर का कलर दूसरा था, उसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत तेज टेम्परेचर का इफेक्ट से वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया उसका कलर। ठीक, बालू है, बालू का जो टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा हीट हो, ठीक है, तो उससे क्या हीट से क्या होगा, टेम्परेचर में से वो हीट हुआ हो बालू एकदम गर्म, तो अगर हम वैसा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो मसाला है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि उसके अंदर कोई भी हीट का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट। कॉस्ट पे अगर देखा जाए तो अगर कॉस्ट अगर ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो हमारा जो मटेरियल है हम उस तरीके का स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्यता नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी सब लोग आसानी से उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है हमारे सुटेबल रिक्वायरमेंट फॉर एक्रिलिक, यानी कि कौन कौन सी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन सी जरूरत हमको चाहिए अपने मिलावे में। ठीक है, जो हम मिलावा इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्क्रीट बना रहे, तभी हमारा पेस्ट क्या होगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, पोस्ट एग्रीगेट क्या हुआ ये हम बता चुके हैं, फाइन एग्रीगेट भी बताया कि 4.75 mm से कम होना चाहिए। ठीक, और ये पोस्ट एग्रीगेट यानी मोटा मिलावा 4.75 mm से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक, अब आते हैं पानी पे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मोटा मिलावा, महीन मिलावा पढ़ लिया, अब आते हैं जल। ठीक है, सीमेंट के बारे में नहीं, सीमेंट पहले जान लेते हैं। हमने मोटा मिलावा पढ़ लिया और महीन मिलावा हमने ये जान लिया, अब आते हैं सीमेंट पे। सीमेंट हम लोग कौन सी यूज करते हैं, या तो किसी ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ये इस्तेमाल की जाती है, या तो कि और भी हमको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, लो हीट सीमेंट चाहिए होता है, या वाइट सीमेंट चाहिए होता है, या कलर्ड सीमेंट चाहिए होता है, वो अपने हिसाब से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे यूज पे। तो अगर देखा जाए तो मसाला बनाने के लिए हम लोग जनरली पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट की जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा होती है, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की, तो हम लोग कौन सी इस्तेमाल करते हैं, पीपीसी यानी पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें कोल का, ऐश का, राख का उसके अंदर बनाया जाता है, ताकि वो इकोनॉमिकल हो जाए और सारे लोग आसानी से उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक, तो ये हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बोरे में कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन की एक बोरे में सीमेंट कितना होता है, तो 50 kg होता है। ठीक है, तो हमारे सीमेंट हो गया, मोटा मिलाओ महीन मिलाओ, अब आते हैं वाटर पे। ठीक है, वाटर जो है, वाटर क्या है, हम लोग वाटर क्यों मिलाते हैं, ताकि जो हमारा पेस्ट है, ठीक है, जब हम गिट्टिक बालू मोरंग, ठीक है, गिट्टिक बालू मोरंग या बालू को हम लोग एक साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको सॉलिड से इस्तेमाल करें तो हम लोग अपना जो घर है वो हम लोग बना नहीं सकते, इसीलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, पानी का यूज करके उसको हम लोग लुब्रिकेंट बनाते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट बनाते हैं ताकि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाए और उसको आसानी से ढाला जा सके। ठीक है, इसलिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने सीमेंट को किस तरीके बनाने के लिए, वर्केबल बनाने के लिए कह सकते हो। ठीक है, सुकार्य बनाने के लिए, ठीक है, कार्य करने योग्य बनाने के लिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो।
जल सीमेंट अनुपात के द्वारा हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं कि हमें अपने मसाले में कितना पानी डालना है। ठीक है, अब आते हैं वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो यानी जल सीमेंट अनुपात एक रेशियो होता है। इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर मिक्स इन कॉन्क्रीट यानी कितना पानी हमको कंक्रीट के अंदर हमने मिक्स किया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यूज यानी कितना वेट ऑफ वाटर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, देखो जो वाटर रेशियो सीमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगर वाटर सीमेंट रेशियो यानी जल सीमेंट अनुपात अगर हमारा गड़बड़ हो गया तो हमारा जो भी पेस्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। ठीक, या अगर हम लोग मान लो वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट करके नहीं डाले यानी पानी को कितना डालना है अगर हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, या तो पानी इतना ज्यादा डाल देंगे कि वो पूरा गीला हो जाए या तो इतना कम डाल देंगे कि वो सूखा हो जाए। ठीक, तो पूरा जो टोटल का टोटल वर्क है वो क्या है, हमारा जो हमारा कॉन्क्रीट बनाने का जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर पे। ठीक है, क्योंकि वाटर के वजह से ही हमारा स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, यानी सामर्थ्यता आती है और साथ ही साथ वर्केबिलिटी यानी स्वीकार्यता यानी हमारी कॉन्क्रीट कितने काम के लायक है। ठीक है, वो किसके द्वारा आती है, वाटर सीमेंट रेशियो के द्वारा ही आती है। ठीक है, आगे समझ में। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि फॉर ए गिवन प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल देयर इज ए अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच गिव द ग्रेटर इफेक्ट। अगर हम अच्छे अमाउंट में अगर पानी का इस्तेमाल करें यानी अच्छी मात्रा में अपने पानी को सीमेंट कॉन्क्रीट में अगर हम डालते हैं तो हमको उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ यानी उतनी ही मजबूती उतनी ही स्ट्रेंथ सामर्थ्यता हम लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है, आगे समझ में। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन दिस ऑप्टिमम वाटर डिक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द अबाउट 10% लेस मे बी सफिशिएंट टू इंश्योर कंप्लीटली सेटिंग ऑफ सीमेंट। यानी कि अगर हम लोग वाटर की मात्रा अगर हम लोग कम कर लें तो हमारी जो सामर्थ्यता है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी यानी घट जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोगों ने 10% बहुत कम कर ली तो जो हमारा सीमेंट है वो जल्दी सूखेगा ही नहीं। ठीक, देखे होगे जब भी तुम्हारे वहां काम होता है तो मिस्त्री क्या कहता है कि मिस्त्री क्या करता है कि पहले पानी कम मिलवाता है ताकि वो हमारा जो मसाला बना है, हो सकता है हम फौरन तो इस्तेमाल करें नहीं, एक घंटे बाद या दो घंटे बाद हम इस्तेमाल करें। ठीक है, ज्यादा मात्रा में अगर कॉन्क्रीट बना है तो धीरे 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 ही ना काम होगा उस पर। तो अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में अगर पानी डाल देंगे पहले से ही तो वो क्या हो जाएगा, वो सेट यानी वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जमना स्टार्ट कर देगा अपना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम पानी मिलाते, मिस्त्री जो है कम पानी मिला, लेकिन जब मिस्त्री के पास मसाला लेके जाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है, उसमें पानी डालता है ताकि फौरन उसको स्ट्रेंथ मिले और वो क्या हो जाए, जमना स्टार्ट कर दे। ठीक है, यानी जैसे ही ढाला, ढालने के बाद 10 मिनट छोड़ दो तो अपने आप वो कड़ा होने लगता है। देखे होगे उसकी जो ऊपर की लेयर है वो क्या कड़ी होने लगती है। ठीक, पूरे तरीके से नहीं होता है जमता है, लेकिन वो हो जाता है अपना कि उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। अगले दिन हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 घंटे तक वो पूरी सीमेंट क्या कर लेता है, अपना कवर कर लेता है। हमें बताया था ना फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, अंतिम जमाव काल कितना होता है, 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटे में वो पूरी तरीके से पकड़ लेता है। ठीक, फिर क्या है, मोर देन ऑप्टिमम वाटर डिक्रीज द वर्केबिलिटी बट डिक्रीज द स्ट्रेंथ। यानी कि अगर हम पानी कम करेंगे तो हमारी जो वर्केबिलिटी यानी काम करने की जो क्षमता है सीमेंट कॉन्क्रीट की वो तो इंक्रीज हो जाएगी, यानी हम उसको धीरे 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 काम करेंगे, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, एन इंक्रीज इन 10% एवर द ऑप्टिमम विल बी डिक्रीज द स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 50% व्हाइल एन इंक्रीज इन 50% में डिक्रीज द स्ट्रेंथ टू 1/2। यानी कि अगर हम 15% इंक्रीज कर दे, ठीक है, वाटर की बात हो रही, 15% डालना 15% निकालना। ठीक, तो अगर 15% हम लोग बढ़ा दे तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ जो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी।
लेकिन अगर हम लोग 15% रखे, ठीक है, 15 से 50% तक अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तब भी हमारी जो स्ट्रेंथ है यानी जो सामर्थ्यता है वो आधी, 1.5 वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सामर्थ्यता बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग को वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट करके ही अपने कॉन्क्रीट में पानी डालना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, यूज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली प्रोड्यूस लो स्ट्रेंथ बट इंक्रीज द श्रिंकेज एंड डिक्रीज द डेंसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर मान लो हम लोग बहुत ज्यादा वाटर का इस्तेमाल हम लोग कर लेते, ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर का इस्तेमाल अगर कर लिया तो जो उसकी स्ट्रेंथ तो लो होगी होगी, साथ ही साथ उसके अंदर क्या खिसकाव आ जाएगा, यानी कि देखे होगे जब भी कोई साचा बना हो तो अगर हम उसको पानी जैसा कॉन्क्रीट अगर उसके अंदर डाले तो क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह से थोड़ा सा खसक जाएगा। क्यों क्यों खसकेगा, क्योंकि जो वाटर की तरह है पानी की तरह पानी लचीला होता है, ठीक है, लचीलापन होता है उसमें, यानी श्रिंकेज वो क्या होगा पूरी तरफ एक तरफ बह जाएगा, ठीक है, साइड की तरफ क्या होगा बह जाएगा तो वो तिरछा हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ उसका अपना घनत्व भी क्या करेगा, चेंज करेगा, और अपना टिकाऊपन यानी उसका जो लंबे समय तक इस्तेमाल है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू अब्राहम्स वाटर सीमेंट लॉ, हमने इससे पहले बताया था जब इससे पहले क्लास चल रही थी रिविजन क्लास से पहले, तो ये बताया था आप लोग को कि एक वाटर सीमेंट रेशियो होता है अब्राहम्स, ठीक है, उन्होंने बताया कि द लेसर द सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो इज वर्केबल मिक्स ग्रेट विल बी द स्ट्रेंथ, यानी कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो यानी जल सीमेंट अनुपात अगर वर्केबल है, काम करने लायक अगर वो मिक्स हुआ है तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग मिलाते हैं। अब आते हैं एडमिक्सचर, ठीक है, अब आते हैं क्या एडमिक्सचर, जिसको बोलते हैं हम लोग मिश्रक, ठीक है। तो पहला पॉइंट है केमिकल एडमिक्सचर आर द इंग्रेडिएंट इन कॉन्क्रीट अदर देन पोर्टलैंड सीमेंट वाटर एंड एग्रीगेट that are added to mix immediately before or during mixing, यानी कि जो हमारा मिक्सर है यानी मिश्रक जो है वो एक तरीके का क्या है हमारे कॉन्क्रीट का इंग्रीडियंट है, यानी इंग्रीडियंट मतलब कॉम्पोनेंट है यानी घटक, ठीक है, इसके इसके विपरीत सीमेंट के जल के और मिलावे के, ठीक है, इसको हम लोग तब मिलाते हैं या तो हम लोग मिक्स करने से पहले मिलाते हैं और जब हम लोग मिक्स कर लेते हैं तब मिलाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमको मान लो अगर बहुत ज्यादा सीलन आ रही है घर पे तो डॉक्टर फिक्सेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े की डर रहती है तो हम लोग उसमें इंसेक्टिसाइडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का डिफरेंट हम लोग एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो ये एडमिक्सचर का हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो घर है यानी जो हमारा बिल्डिंग है या जो भी हमारा स्ट्रक्चर है जो भी संरचना है वो क्या हो हमारा उस चीजों से प्रूफ है, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है, ठीक। फिर जो हमारा मिक्सर है यानी जो मिश्रक है वो हम लोग क्यों ज्यादातर मिलाते हैं, ज्यादातर हम लोग इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारे जो कॉस्ट ऑफ जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन है यानी जो हमारा जितना पैसा लग रहा है कंक्रीट का काम करने में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लो अगर हम लोग अच्छी सीमेंट इस्तेमाल ना करें और हम लोग एडमिक्सचर का इस्तेमाल कर ले तो उससे क्या होगा कि हमारा जो जितना स्ट्रेंथ हमारी अच्छी सीमेंट वाली देगी उतना ही अच्छी हमारा ये एडमिक्सचर यूज करने वाला देगा, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर हम लोग डॉक्टर फिक्सेट का या कीटनाशक का इस काम में ज्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है एडमिक्सचर हमारे जो क्वालिटी है यानी कि जो उसकी गुणवत्ता है उसकी जो प्रॉपर्टी उसके जो गुण है वो क्या करता है उसके अंदर चेंजेस ला देता है, उसके अंदर मॉडिफाइड कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। फिर क्या है टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट
कॉन्क्रीट ड्यूरिंग द मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग एंड क्यूबिंग, यानी कि इसकी जो गुणवत्ता है वो कॉन्क्रीट की मिक्सिंग यानी मिक्स करने के लिए ट्रांसपोर्ट यानी ले जाने के लिए प्लेस मतलब जहाँ रखना है वहां, और जब हम लोग उसको पानी देते हैं तो वो क्या करता है उसकी जो क्वालिटी उसमें क्या कर देता है बढ़ा देता है, ठीक है। टू ओवरकम द सर्टेन इमरजेंसी ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशन, यानी कि ये मान लो कोई आपातकालीन घटना हुआ है या गिरने लगा तो ये क्या करता है उससे हमको बचाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरेबिलिटी को, यानी अब आते हैं गुणवत्ता, ठीक है। तो जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन, ठीक है। ये जो गुण होता है हमारे कंक्रीट का, ये क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्योंकि अगर टिकाऊ नहीं होगा यानी अगर वो लंबे समय तक यूज नहीं होगा तो हमारी कॉन्क्रीट किस काम की है, किसी काम की नहीं है। जब तक उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी नहीं है, टिकाऊपन नहीं है, तब तक वो लंबे समय तक वो चल नहीं सकता, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन हमारी जो संरचनाएं बनाई गई है वो लंबे समय तक हो नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होती है यानी जो गुण होता है हमारे कॉन्क्रीट वो होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ किसके वजह से आता है, स्ट्रेंथ जितना हम वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा जो कॉन्क्रीट है वो क्या होगा उसकी जो सामर्थ्यता है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, टिकाऊपन। अगर हमारा कॉन्क्रीट अच्छे मिक्स से बना है तभी हमारी जो ड्यूरेबिलिटी यानी जो टिकाऊपन है उसके अंदर वो लंबे समय तक होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो हमारा लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होती है, वर्केबिलिटी होती है कि पानी को इतनी मात्रा में डालना, ना ही वो गीला हो और ना ही वो सूखा हो, ठीक। तो जैसे ही वो हम लोग पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है एक तरीके का गीला, ठीक है, उसके अंदर गाढ़ापन उसके अंदर आ जाता है। तो जो वही कॉन्क्रीट अगर हमारी यूज करने लायक है तो वो क्या है हमारी कॉन्क्रीट वर्केबल, काम करने के लायक है, ठीक है, सुकार है उसको बोलेंगे। अगर हमारे कॉन्क्रीट काम करने लायक है तो हमारी जो कॉन्क्रीट है वो कैसी है, स्वीकारता है उसके अंदर, यानी वर्केबिलिटी उसके अंदर है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब अगर उसका कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो ज्यादा से लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कॉस्ट कम है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या है, इट इज ए डिफिकल्ट टू प्रॉपरली डिफाइन एंड मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिस्प्रिट इट्स बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक। वर्केबिलिटी को कभी भी हम लोग आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसको बताना, उसको मेजर करना। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अभी हम लोग ज्यादा पानी डाल देते हैं तब भी वो वर्केबल है, लेकिन अगर हम लोग कम पानी डाल देते हैं तो वो भी काम, अगर कम पानी है वो भी क्या वर्केबल हो जाती है, ठीक। इसलिए आसानी से उसको परिभाषित या उसको मापना हमारे लिए डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन इट्स सिंपल फॉर्म द वर्केबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द इजी विथ विच कॉन्क्रीट मे बी मिक्स्ड हैंडल ट्रांसपोर्टेड प्लेस इन पोजिशन एंड कॉन्क्रीट, यानी कि आसान तरीके से अगर देखा जाए तो स्वीकारता को हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि अगर हमारे मिक्स उसको मिश्रण बनाने में, उसको हैंडल करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वहाँ उसको पोजीशन यानी जहाँ पे है वो उसको रखने में, उसको बनाने में जितना भी काम हमारा इजीली हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या वर्केबिलिटी या स्वीकार्यता, ठीक है, ठीक। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड यानी IAS के द्वारा, कोड के द्वारा अगर देखा जाए तो वर्केबिलिटी को इस तरीके से बताया गया है कि वर्केबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कॉन्क्रीट की जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि
कितना मात्रा में इसके अंदर काम करना हमको पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ इंटरनल वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल कॉम्पैक्शन, यानी उसको एकदम अच्छे से बनाने के लिए, यानी उसको कॉम्पैक्शन करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर उसका ढलाई करने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा अपना अपने मसाले को बनाने के लिए, ठीक है, अपने मसाले को बनाने के लिए हमको उसके अंदर कितना काम करना पड़ेगा जिससे हमारा जो संरचना है वो आसानी से वो ढलाई हो सके, ठीक है। ये किसने डिफाइन किया है? IS कोड के द्वारा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट सिंगल फैक्टर अफेक्ट द वर्केबिलिटी इज द अमाउंट टू वाटर इन द मिक्स, ठीक, द ग्रेट सिंगल फैक्टर अफेक्ट द वर्केबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्स, यानी कि बहुत जो हमारा जो ऐसा घटक है जो हमारे सुगरता को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, वो है हमारा पानी की मात्रा। जितनी पानी की मात्रा हो अच्छी होगी उतना ही हमारा जो कॉन्क्रीट होगा वो क्या होगा, हमारा वर्केबल होगा, यानी काम करने के लायक होगा, ठीक है। ए वर्केबल कॉन्क्रीट डज नॉट शो एनी ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब हिंदी बोलते हैं पाथकीकरण, पाथकीकरण, और ब्लीडिंग को बोलते हैं हिंदी में उत्स्त्रीवरण, ठीक है। ब्लीडिंग का मतलब होता है क्या, ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट टेक प्लेस व्हेन, इससे पहले वाला जो पॉइंट था वो क्या है, वर्केबल कॉन्क्रीट डज नॉट शो एनी ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, यानी कि हमारा जो वर्केबल कॉन्क्रीट है यानी कार्य करने योग्य जो हमारा कॉन्क्रीट है उसके अंदर ना तो ब्लीडिंग होना चाहिए ना ही सेग्रीगेशन होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लीडिंग होता क्या है, उत्स्त्रीवरण होता क्या है, तो ब्लीडिंग जो होता है वो होता है कॉन्क्रीट टेक प्लेस व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इन द मिक्स कम्स अप एट द सरफेस। कभी कभी क्या होता है, देखे होंगे कि जब हम लोग कॉन्क्रीट को मिक्स करते हैं तो पानी ऊपर की ओर आने लगता है, पानी ऊपर आता है और जो हमारी कॉन्क्रीट है जो मसाला है वो नीचे की ओर जाने लगता है, तो यही है कि उसके ऊपर हमारा पानी, कॉन्क्रीट के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, यानी कॉन्क्रीट के सरफेस के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, अगर पानी आ रहा है तो उसमें हमको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग या उत्स्त्रीवरण, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या होता है, पृथक्करण क्या होता है, कि सेग्रीगेशन इज कॉज्ड व्हेन कोर्स एग्रीगेट सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइनर मटेरियल रिजल्टिंग इन लार्ज वॉइड, लार्ज ड्यूरेबिलिटी, लेस ड्यूरेबिलिटी और लेस स्ट्रेंथ, यानी कि क्या हो कि हम पानी की मात्रा इतनी मिला दिए हैं कि जो हमारा महीन मिलावट और मोटा मिलावट है वो क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, यानी हमको मिट्टी दिखाई दे रही है अलग और बालू और सीमेंट जो है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, पानी के जैसा दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल पानी है, तो इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो अगर इस तरीके का होगा हमारा मसाला तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा छेद होंगे, सीमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वाइट आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे कि हम लोग ढलैया करते हैं और उसमें क्या होता है कि उसका जो कॉन्क्रीट जो छड़ है वो हमको दिखाई देता है, इसके वजह से होता है, इसी वजह से होता है कि उसके अंदर पानी की इतनी मात्रा हो गई कि सीमेंट पूरा पानी हो गया और जो हमारा एग्रीगेट है वो अलग दिखाई देगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, हमारे हमको छेद छेद दिखाई देगा और जो उसका टिकाऊपन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम होगा और जो उसकी सामर्थ्यता है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम अपने कॉन्क्रीट को ज्यादा से ज्यादा कम इस्तेमाल, पानी अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम लोग कम से कम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो वर्केबिलिटी है कॉन्क्रीट की वो अच्छी आए, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, मिक्सिंग, कॉम्पैक्शन और क्यूरिंग, मिश्रण बनाना, ढालना और तराई करना, ये तीन चीज हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।